नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद हबीब। आज की सबसे बड़ी खबर है, रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी, उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो गिरिराज जी, आप बताएं कि कांग्रेस के लिए अधिवेशन आने वाले चुनावों को लेकर कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के लिए अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है, जाहिर है, सब जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने उस पर कांग्रेस की नज़र है। और कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य है कि कैसे भी भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। और इसी साल जो है कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इस अधिवेशन की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि करीब 26 साल के बाद इस अधिवेशन की अगुवाई गांधी परिवार से अलग गैर गांधी अध्यक्ष जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और इसमें जो वर्किंग कमेटी के सदस्यों के अलावा इसमें जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी प्रस्ताव पारित होने हैं। तो इस अधिवेशन में जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठने वाले हैं, जहाँ वहीं आगामी चुनाव की रणनीति भी बनेगी और कांग्रेस जो है अब किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, इसका कोई नया संकल्प लेकर वहाँ से निकलेगी। तो सर, जो भाजपा की रणनीति है चुनाव लड़ने की, वो सभी विश्लेषकों के सामने, हमारे सामने, मीडिया के सामने बिल्कुल जग जाहिर है कि वो कितनी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पिछले एक साल में उदयपुर में संकल्प शिविर कर चुकी है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कर चुकी है, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल चुका है इनका। अब क्या लगता है, अब इनके अधिवेशन में क्या रणनीति होगी आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए अभी जी, आपने जैसे कहा कि भाजपा की जो रणनीति है या भाजपा की जो आक्रामक रणनीति है वो सबके सामने है। इसमें कोई संशय नहीं है कि भाजपा बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाए हुए है, हर मुद्दे को लेकर के वो आक्रामक रुख अपनाए हुए है। लेकिन कांग्रेस ने का पर अगर नज़र डालेंगे तो पिछले एक साल के अंदर कांग्रेस ने भी अपने आप को काफ़ी रिवाइव किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। अब कांग्रेस जैसे सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, उसके प्रवक्ता काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हर विषय हर बात पर वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। जी बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने ये भी देखी होगी कि एक समय ऐसा आया था जब कांग्रेस की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी और ये लग रहा था कि कोई उसका टिकट लेने को भी तैयार नहीं था। लेकिन अब चूंकि तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो इससे जो कांग्रेस के वर्कर है उसको एक नई ऊर्जा मिली है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। इसमें थोड़ा सा इजाफा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने भी किया है। और अब जो कांग्रेस से लोग जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि नहीं, कांग्रेस रिवाइव करेगी और सत्ता में भी आ सकती है और कांग्रेस का भविष्य कुछ ठीक हो सकता है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, आपने देखा कि बीजेपी पूरी तरह से उत्साहित है और ये राजस्थान को लेकर के तो वो ये भी भरोसे में है कि उसको सत्ता में आना है। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात होगी क्योंकि राजनीति में अंतिम समय तक क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं लगता। बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव में, कब कौन सा कारण जो है आगे आ जाए कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन अगर आज की परिस्थितियों की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है और जो ये अधिवेशन हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई कार्यकर्ताओं के लिए या पार्टी के ग्राउंड लेवल पे वर्कर को सक्रिय करने के लिए ऐसा अभियान, ऐसी चीज़ लेके निकलेगी जिससे ये पार्टी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। गिरिराज जी, ये बात तो सही है कि लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय लगभग बाकी है, लेकिन उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो अपन उसी पे बात करते हैं। क्या अधिवेशन में इन राज्यों के विवादों को लेकर कोई मंथन होगा? जैसे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो विवाद चल रहा है लंबे समय से, इसी तरह दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री बनाम आदर्श को लेकर बातें चल रही है, तो क्या इस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और उनके नेताओं से बातचीत करके कोई डिसीजन ले पाएंगे? देखिए हबीब जी, जैसा कि आपने कहा, आमतौर पर आपने भी और हमने भी देखा है, आपने लंबे टाइम तक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, जब भी इस तरह के अधिवेशन होते हैं उसमें सार्वजनिक तौर पर राज्यों के विवादों के मामले नहीं आते,
या ऐसे अधिवेशनों में वो मामले सार्वजनिक तौर पर नहीं सुलझाए जाते। जो विवाद हैं, दो विवाद हर राज्य में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर उसमें इकाई में भी होते हैं और अलग अलग गुट भी बने होते हैं। तो ये गुटबाजी के जो विवाद हैं वो ऐसे अधिवेशन से अलग फोरम पर निपटाए जाते हैं, अलग फोरम पर बात की जाती है। चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब इसमें वर्किंग कमेटी का चुनाव भी होना है, उनके चुनाव पर मोहर भी लगनी है इसमें अधिवेशन में। उसके बाद जाहिर है कि वो उसके बाद वो इन विवादों को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब पार्टी को अभी विधानसभा चुनाव में जाना है राजस्थान के में और राज्यों में, तो उससे पहले वो कहीं ना कहीं जो स्टेट की लीडरशिप है, जो राज्य के नेता हैं, उनके बीच में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, उनकी जो गिले शिकवे उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे, ताकि वो सब एकजुट होकर के पार्टी के लिए चुनाव लड़ें और कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिल सके। एक सवाल सर, वर्किंग कमेटी के चुनाव को लेके किया जा रहा है सभी जगह, क्या अधिवेशन के अंदर कांग्रेस चुनाव में जाएगी वर्किंग कमेटी के सदस्यों को लेकर, या वही मनोनीत वाला सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि चुनाव में अब वक्त कम रह गया है, इसलिए दोनों राय आ रही है, चुनाव भी हो सकते हैं और मनोनयन। आपकी नज़र में क्या लगता है, मनोनयन रहेगा या चुनाव किए जाएंगे उस वर्किंग कमेटी को लेकर? देखिए, आपकी बात सही है, बात यही चल रही है कि वर्किंग कमेटी का इलेक्शन कराया जाएगा अधिवेशन में, लेकिन मुझे ये लगता है कि अधिवेशन में इलेक्शन के बजाय कांग्रेस में जैसे कि पुरानी परंपरा रही है आम सहमति से कराने की, तो इस अधिवेशन में भी वर्किंग कमेटी के जो इलेक्शन है उसमें आम सहमति बना करके ही चुनाव कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि चुनाव करा करके जो है और मतभेद पैदा करने की कोशिश कांग्रेस नहीं करना चाहेगी। एक सवाल और सर, जो उदयपुर संकल्प शिविर के अंदर उठ के आया था कि हम युवाओं को पार्टी में मौका देंगे, अभी राजस्थान में ब्लॉक कमेटियों की, नगर कमेटियों की, अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस संकल्प शिविर के दिशा में चल रही है, या कुछ वही पुराना डर्रा चल रहा है कि जो नेताओं के करीबी वही अध्यक्ष बने, या आने वाले समय में भी वही टिकटों में भी यही चीज़ चलेगी, या युवाओं को मौका मिलने के अवसर हैं? देखिए, अभी जो आपने कहा कि युवाओं को आगे लाना है, हर पार्टी हर दल जो है युवाओं की बात करता है, हर राजनीतिक दल जो महिलाओं की बात करते हैं, और पहले जो पार्टी थी उन्होंने एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने का भी एक वादा किया था, कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो लगातार इसकी बात करते रहे, और युवाओं को भी आगे लाने की बात लगातार राहुल गांधी लंबे समय से कर रहे हैं कि युवा नेतृत्व को हम आगे लाएंगे, उन्होंने बीच में प्रयास भी किए थे। कांग्रेस की अब हम जहाँ तक बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के आगे आने के अभी बहुत अच्छे चांस हैं, काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप थी, जो वरिष्ठ नेता थे, अधिकांश उनमें से या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या वो जो है पार्टी से अलग हो चुके हैं, अब वो युवा नेतृत्व ऊपर उभर के आएगा। वैसे ही राजस्थान में भी अगर हम देखें तो राजस्थान में है कुछ पुराने लीडर्स, लेकिन युवा नेतृत्व को आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे अशोक गहलोत, क्योंकि उनके सामने जो सचिन पायलट के रूप में जो चुनौती है वो भी युवाओं की ही चुनौती है। हाँ, जहाँ तक टिकट वितरण की बात है, जो विधानसभा का जब चुनाव होगा और टिकट वितरण की बात आएगी, तो उस समय पर सिर्फ एक ही सभी पार्टियों में फार्मूला रहता है, और वो फार्मूला रहता है कि जीत कौन सकता है। फिर उस समय जो सारे मापदंड है वो भुला दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं उसमें, और एक ही मापदंड रहता है कि जो जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। तो इसमें अभी उससे चुनाव से पहले जो मैं जो आप कह रहे हैं कि इसमें युवाओं को मौका मिलेगा, हाँ जाहिर है युवाओं को मौका मिलेगा, अभी जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें भी काफ़ी युवाओं को मौका दिया है, और भी जो संगठनात्मक नियुक्तियाँ होंगी और जिम्मेदारियाँ होंगी उनमें युवाओं को मौका देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में टिकट में युवाओं को कितना मौका मिलेगा ये उस समय देखने की बात होगी। आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रूप तो अपनाया है, जैसे कल पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद कांग्रेस के लोग वहाँ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे, तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनको अंतरिम जमानत की राहत भी मिल गई। तो जो कांग्रेस का आक्रामक रवैया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, वो क्या अगले 1.5 साल तक कायम रह सकेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस अब धीरे धीरे आक्रामक रुख अपनाने की प्रयास कर रही है, लेकिन इस आक्रामक रूप में
जब जब भी उन्होंने कोशिश की है तो हमेशा कांग्रेस फंस जाती है, कांग्रेस के लोग फंस जाते हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता जो पवन खेड़ा ने स्टेटमेंट दिया, उसी पे वो फंस गए। उनकी गिरफ्तारी हो गई, हवाई जहाज से उनको उतार करके गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 7 घंटे की मशक्कत के बाद उनको जमानत मिल पाई। तो आक्रामक होना चाहिए, लेकिन आक्रामक होने में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पैतरा उनको उल्टा ही पड़ जाए। इस मामले में बीजेपी की आक्रामकता एक अलग तरीके की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने प्रवक्ताओं को, अपने जो मीडिया पर्सन जो भी देखते हैं उनको और अपने लोगों को और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन से जो नेता वापस अपने अपने राज्य की ओर लौटेंगे, चाहे वो स्टेट लीडरशिप में हो चाहे नेशनल लीडरशिप में हो, क्या टारगेट लेके मैदान में आएंगे? देखिए, जो अधिवेशन से जो लौटेंगे और वहाँ से और उनको जो आप टारगेट की बात दे रहे हो, जाहिर है कि ऊपर से एक ही संदेश दिया जाएगा कि चुनाव में हमें एकजुट रहना है, पार्टी को हर हाल में सत्ता में लाना है और जो आपसी गिले शिकवे हैं उनको भुला करके जो है बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी है और भाजपा को हर हाल में सत्ता से बाहर करना है। ये एक मूल मंत्र जो है कांग्रेस का हो सकता है, जो कांग्रेस नेतृत्व अपने वर्कर्स को और नेताओं को देना चाहेगा। वो ग्राउंड पर कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है ये अलग बात है। सर, यही मूल मंत्र लेके नीतीश कुमार यादव बिहार से कांग्रेस के साथ या विपक्षी अन्य दलों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आओ हम एकजुट होकर लड़ें, तब जाके भाजपा को हम हरा पाएंगे और 100 से नीचे तक धकेल पाएंगे। तो क्या इस अधिवेशन में नीतीश कुमार की बात पे या विपक्षी अन्य दलों की के साथ समझौते की बात पे कोई डिस्कशन होने वाला है? अब ये तो उनके आंतरिक मामला है और राजनीतिक प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में पास होंगे, लेकिन जाहिर है कांग्रेस जब चुनाव की रणनीति आएगी तो वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग इसके लिए रणनीति तय करेगी कि जहाँ पे जिस राज्य में उसकी स्थिति कमजोर है वहाँ क्षेत्रीय दलों से गठबंधन पे बात करेगी या उनके लिए सीटें छोड़ने पे बात करेगी, लेकिन जिस राज्य में उसकी स्थिति मजबूत है तो जाहिर है वो वहाँ किसी क्षेत्रीय दल को साथ लेना नहीं चाहेगी। राजस्थान में जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी क्षेत्रीय दल को साथ वो लेना नहीं चाहेगी क्योंकि यहाँ वो अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत मान करके चलती है। हाँ, चुनाव के बाद अगर कोई स्थिति होती है या मान लो विधायक कम पड़ते हैं, तो जैसे कि आमतौर पर 2 बार से होता रहा है कि बसपा विधायकों को अशोक गहलोत अपने साथ लेते रहे, ऐसी कोई स्थिति होती है तो वो क्षेत्रीय दल को साथ ले सकती है। बाकी बिहार हो या मान लो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी है, तो वो राज्यों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाना चाहेगी। बिहार में जहाँ तक बात है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए बिहार में कांग्रेस और नीतीश कुमार के साथ में जो है बात कर सकती है। तो सर, बिहार से जो नीतीश कुमार का संदर्भ, नीतीश कुमार का जो संदेश है, मैं आम चुनाव के संदर्भ में वो बात पूछ रहा था आपसे कि क्या इस अधिवेशन में विपक्षी दलों के साथ या नीतीश कुमार जो विपक्षी दलों को एक साथ लाने का जो मैसेज दे रहे हैं उस पर क्या कांग्रेस डिस्कशन करने वाली है? ये डिस्कशन तो इस अधिवेशन में होगा या नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें आमतौर पे ऐसे अधिवेशनों में ऐसे विषय जो है डिस्कशन में आते नहीं है और उसके लिए अलग से ही बातें होती हैं। लेकिन हाँ, जहाँ विपक्षी एकजुटता की बात है वो पहले से चल रही है, ममता बनर्जी भी कोशिश कर चुकी हैं विपक्ष को एकजुट करने की, उसके लिए नीतीश कुमार भी पूरे प्रयास कर रहे हैं और पिछली बार भी कांग्रेस ने कई दलों के साथ लेकर के चुनाव लड़ा था, क्योंकि इस समय सभी का उद्देश्य भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करना है। तो केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए इस समय किसी भी एक दल में इतना शक्ति या ताकत नहीं है कि वो अकेला केंद्र से जो है भाजपा को बाहर कर सके। तो जाहिर है कि जो सभी क्षेत्रीय दल है या जो विपक्षी दल है वो एकजुट होने का पूरा प्रयास करेंगे इसमें, और उस प्रयासों के तहत कांग्रेस को कितनी सफलता मिल पाती है या उस विपक्षी एकता की अगुवाई कौन करेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस ही उसकी अगुवाई करती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की अगुवाई में कितने दल साथ आते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सर, राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के समय ये संदेश दे चुके हैं या उससे पहले भी उन्होंने ये संदेश दिया, कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय पार्टी है जो बीजेपी का या आरएसएस का मुकाबला कर सकती है,
और जो रीजनल पार्टियां हैं वो रीजन तक सीमित थी, उनकी कोई सोच नेशनल लेवल की नहीं, ऐसा ऐसे बयान पे विवाद भी हुआ था और इसी वजह से अखिलेश यादव ने उनका विरोध भी किया था। तो क्या लगता है आपको कि प्री जो समझौता है चुनाव से पहले के समझौते की कोई चांस है या पोस्ट समझौता ही होना है चुनाव के बाद? देखिए, इसमें लोकसभा चुनाव से पहले समझौते हो सकते हैं पार्टियों में, क्योंकि अगर पहले समझौते नहीं हुए तो फिर केंद्र की सत्ता से भाजपा को बाहर करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सब अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि विपक्ष विपक्ष का वोट बटेगा और विपक्ष को काफ़ी नुकसान उसमें हो सकता है। तो भाजपा यही चाहती है कि विपक्ष का वोट बटा रहे और वो उसका जो अपना वोट है वो उसको पूरा मिल जाए। तो इसलिए जो जहाँ तक आप करें कि इनमें विरोध हो रहा है या राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अब तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी जो है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन गई है गुजरात इलेक्शन के बाद में, तो वो भी इसमें अपना शेयर लेना चाहेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा जो मानना है वो ये है कि कांग्रेस उसको लीड करे तो ये एक हो सकता है कि बाकी दल सहमत हो जाए कि कांग्रेस लीड करे विपक्ष को, लेकिन उसमें ये डिपेंड करेगा कि किसके पास में कितना प्रतिनिधित्व है, उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर ही जो है किसी को लीडरशिप मिलेगी। तो चूंकि कांग्रेस की समय 3 राज्यों में सरकारें हैं तो जाहिर है कि लोकसभा उसके पास MP भी ज़्यादा होंगे इसमें, तो इसलिए जो है कांग्रेस उसको लीड भी कर सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एक इस मुद्दे पर जो है चुनाव को लेकर के एक आम सहमति या गठबंधन हो सकता है कि कौन किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सर, उदयपुर संकल्प शिविर के अंदर एक मैसेज दिया था राहुल गांधी ने कि हमें जनता के बीच में जाना है तभी हम विपक्षी दलों का या भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने उस संदेश को पूरा भी किया भारत जोड़ो यात्रा निकाल के और हाथ जोड़ो अभियान का पूरा करके। तो क्या इस अधिवेशन में एक नई यात्रा की भी घोषणा हो सकती है कि भी कांग्रेस एक नई यात्रा और निकालने वाली है? नई यात्रा की तो बात अभी मेरे को लगता नहीं कि कोई नई यात्रा की भी बात होगी, क्योंकि यात्रा का तो एक सिलसिला सा चल पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, फिर नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा वहाँ पर निकाली और अभी INLO भी वहाँ पर एक यात्रा शुरू कर रहा है हरियाणा में। तो यात्राएं निकलती रही हैं, पहले भी राजस्थान में यात्राएं निकलती रही, क्योंकि सियासी दलों को ये लगता है कि यात्राएं ही जो है पब्लिक के बीच में जाने का और सत्ता में आने का एक सशक्त माध्यम है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो चुनाव के समय पर ही जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव के समय पर ही इस तरह की यात्राएं निकाली जाती हैं, जबकि लोगों की अपेक्षाएं क्या रहती है कि पूरे 5 साल हर समय वो उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को का समाधान कराएं, उनके लिए लड़ें, उनको जो है अधिक से अधिक रिलीफ दिलाएं। तो ये जो अंतिम समय में जो यात्राएं निकाली जाती हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश होती है, यात्राएं निकाल करके ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम आपके साथ हैं और आपके बीच में फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, तो इसको अब लोग समझने लगे हैं और लोग समझने लगे हैं इसलिए वो अपना डिसीजन भी उसी हिसाब से बनाने लगे हैं। तो जो कांग्रेस ने पहले कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, अपने मंत्रियों को अपने विधायकों को कहा कि वो भी पैदल यात्राएं निकालें, और ठीक है पैदल यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता जुड़ते हैं, कुछ देखने वाले जुड़ते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट चुनाव में कितना कन्वर्ट होगा ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि लोग अभी भी सिस्टम से इतने दुखी हैं कि उनके कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है सिस्टम में, कि सरकारें चाहे जितनी लोक लुभावन घोषणाएं कर रही हैं लेकिन जो आम आदमी है या जो आम वोटर है, जो अस्पताल जा रहा है या जो तहसील में जा रहा है या कोई RTO में जा रहा है या कोई राशन की दुकान पे जा रहा है या कोई मान लो किसी अस्पताल में जा रहा है, उसको वहाँ जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, उनका जो समाधान नहीं हो रहा है, उस पर सरकारें ना तो सरकारें ध्यान दे रही हैं, ना विपक्षी पार्टियां ध्यान दे रही हैं, ना कोई राजनीतिक दल ध्यान दे रहा है, और वो उस परेशानियों की वजह से जो वो झेल रहा है, वहाँ जो उसको करप्शन देखने को मिल रहा है, उससे उसका आक्रोश बढ़ता है सरकारों के प्रति, सिस्टम के प्रति, और वही आक्रोश
सत्ता बदलने का एक सबसे बड़ा कारण होता है जैसा कि मैं मानता हूँ। तो सरकारों को, सरकार हो या विपक्ष हो, जिसको भी यात्राएं निकालनी है वो निकालें, लेकिन ये यात्राएं केवल चुनाव के समय ही ना हो, लोगों के बीच में बने रहने का एक माध्यम बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे समय ही 5 साल तक लगातार लोगों के बीच में बने रहें, उनके बीच में काम करें, उनकी समस्याएं सुने और उनके मुद्दों को उठाते रहें। जैसा कि आपने, अगर अपन 10 साल या 15 साल और पहले की बात करें, तो आपने देखा होगा विपक्ष बहुत मजबूत होता था, पूरे साल जो है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये कुछ ना कुछ चलते ही रहते थे। जी, तो बिल्कुल उससे सही। उससे लोगों को लगता था कि नहीं, ये हमारे साथ है और हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं। अब क्या हो गया कि अब थोड़ा सा लोग जो है एसी वाले नेताओं की संख्या ज़्यादा हो गई है, या जो लास्ट मोमेंट पे ऊपर से टिकट लेकर के आने वाले नेताओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब जो राजनीति में आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि पहले टिकट मिलेगा, फिर टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, पैसे के बल पर चुनाव लड़ेंगे, हम जो है उसमें कार्यकर्ताओं खरीद के चुनाव लड़ेंगे। तो वो उससे क्या है, जनता वो चुनाव जैसे तैसे करे जीत जाते हो भले ही, लेकिन जनता से उनका जो अटैचमेंट है वो उतना नहीं रह पाता है, और उसी का खामियाजा उनको पार्टियों सरकारों को भुगतना पड़ता है। तो सर, लोकतंत्र में जो जनता के बीच में रहेगा वही चुना जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस में इस बार गैर गांधी परिवार के हो रहा है, अगुवाई कर रहे हैं, तो इस अधिवेशन के बाद गैर गांधी परिवार के लोग अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन की, तो इस बार इस अधिवेशन के बाद में गांधी परिवार की क्या भूमिका रह जाएगी कांग्रेस के संगठन को लेकर? देखिए, जैसे आपने कहा कि करीब 26 साल बाद कांग्रेस के अधिवेशन की अगुवाई एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो गांधी परिवार से नहीं है, लेकिन पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गांधी परिवार और कांग्रेस कभी अलग नहीं हो सकते। गांधी परिवार है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो गांधी परिवार है। भले ही अध्यक्ष पद पर कुछ समय के लिए कोई दूसरा बैठ जाए, कोई अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस के कल्चर में है कि वो गांधी परिवार को कभी छोड़ नहीं सकते, है ना। जब भी कोई मामला फंसता है तो आला कमान के नाम पर वो हर मुद्दे को जो कहा गांधी परिवार में ही लेके जाते हैं। और गांधी परिवार ने भी, अगर हम बात करें तो इस कांग्रेस को अपने खून से, अपने पसीने से काफ़ी सींचा है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, सोनिया गांधी ने भी काफ़ी प्रयास किए, अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी इसमें मतलब कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं या उसमें लीडरशिप में है। एक कांग्रेस को लेकर के पिछले दिनों कांग्रेस ने प्रयोग किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए और वो प्रयोग इनका फ्लॉप हुआ। लगातार ये डिमांड उठती रही कि राहुल गांधी को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए, कांग्रेस की कमान से अलग हो जाना चाहिए, तो ताकि कांग्रेस सत्ता में आए। इसी के तहत जो है उन्होंने एक ये डिसीजन लिया कि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से अलग या उनके प्रभाव दबाव में आए बिना अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कितने निर्णय ले पाते हैं और कितना वो पार्टी को आगे ले जा पाते हैं, ये उनकी ये आने वाले चुनाव उनकी ये परीक्षा होगी। तो ये थे हमारे साथ हमारे एडिटर जी गिरिराज अग्रवाल जी, जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर विस्तार से चर्चा की। हम और किसी मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। खासखबर.com को आज इजाज़त दीजिए, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।